प्रकाश. अब द थिंग इज पंत, पंत की बहुत चर्चाएं हो रही हैं और टेस्ट में तो धुरंधर हैं, वी हैव सीन दैट. पर्सनली फॉर मी द काइंड ऑफ टेस्ट प्लेयर दैट ही इज, वो फॉर्म ट्रांसलेट होता नहीं है कभी लिमिटेड ओवर्स में, अभी तक हुआ नहीं है ऋषभ पंत पे. और वो भी एक अनफेयर सा हो जाता है कि वी सी पंत द टेस्ट प्लेयर और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वही चीज मे बी यू नो समथिंग सिमिलर ही विल डू यू नो इन T20. यस ही हैज ट्राइड टू डू इट बट ही हैजंट गॉट गोइंग. अब इसमें मेरा सवाल यही है कि डू यू थिंक पंत एक्चुअली, बिकॉज यू हैव अ डीके देयर हु कैन आल्सो कीप केएल राहुल इफ नीड बी 1% चांस, आपको लगता है यार पंत की जगह बनती है इस टीम में लुकिंग एट द कॉम्बिनेशंस? और जिस तरीके से चेतन आल्सो मेंशन्ड अबाउट लुक कॉम्बिनेशन की बहुत दिक्कतें हैं, पंत इन द लास्ट 12 मंथ्स एज अ T20 प्लेयर हैज नॉट बीन यू नो व्हाट ही हैज बीन थॉट आउट टू बी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हैजंट हैड दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वेयर यू नो यू सेट अप एंड नोटिस. सूर्य कुमार ने वो दिया है, केएल विराट कोहली ने वो दे दिया है आपको, रोहित शर्मा ऑफ कोर्स यू नो इट, बट पंत से वो चीज आई नहीं है अभी तक. See, इस सवाल का जवाब ना मैं मतलब एक क्रिकेट फैन, पहले इंडियन टीम का फैन उस पर्सपेक्टिव से देना चाहूंगा. फॉर मी ऋषभ पंत वाज नेवर सूटेड फॉर दिस यू नो T20 सेटअप. मतलब पिछले आप 2-3 साल से देख लो, इनफैक्ट जब आज से 3-4 साल पहले जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था, डेब्यू करते करते कई साल कितने साल हो गए हैं, वो एक होता है ना कि मतलब a young blood is coming into the team who has done so many so great things in the longest format of the game. और उसी को आप रिप्लिकेट जब लिमिटेड ओवर्स में करने जा रहे हो तो मतलब वो जो फेलियर का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है. आपको IPL में कप्तान बना दिया जाता है ये सोच के कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस वो पीछे से लेकर आ रहे हैं एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन हिज गेम, वो चीज हो नहीं पा रही है. और नॉट लाइक चेतन जिस चीज को मेंशन किए कि इनजस्टिस हुआ, रोल फिक्स नहीं हो पा रहा है, स्पॉट उनका एक हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि 4 पे खेलेगा कि 5 पे खेलेगा कि नंबर 1 पे खेलेगा, मतलब नंबर 1-2 में खेलेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज का भी इम्पैक्ट हो रहा है कि एक वो होता है ना कि ही इज नॉट गेटिंग सेटल्ड विद इन हिमसेल्फ. अब जब रोल का क्लैरिटी नहीं है तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको किस पेस पे खेलना है. नाउ हम डीके की बात करते हैं, डीके को हमने कंडीशनल प्लेयर सिचुएशनल प्लेयर बना दिया है. 3 ओवर बचे हैं, 18 बॉल बचे हैं, अच्छा किसको भेजना है, डीके को भेज दो, ही विल स्मैश, उस स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा उसका, उसका मतलब ही इज इन अ गुड निक, ही कैन डू इट. लेकिन क्या हम सोचने वाली बात है कि अगर वही सिचुएशन को लेके अगर हम ऋषभ पंत के साथ उस चीज को एनालाइज करते हैं तो क्या हमको वही रिजल्ट मिलेगा? ऑफकोर्स आप लोग के मन में भी यही आ रहा होगा कि नहीं मिलेगा. सो फॉर मी अगर हम डीके वर्सेस ऋषभ पंत डिबेट में जाते हैं तो पर्सनली मैं फील करता हूँ कि डीके इज बेस्ट सुटेड, क्योंकि अभी वो लय में चल रहे हैं, वो रिदम है उनका कि हाँ एक दो गेम में नहीं चले तो नहीं चले बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चलेंगे, ही विल कनेक्ट, ही विल स्मैश रन्स, और जिस मोमेंट जो मोमेंटम चाहिए होगा वो आखिरी के 2-3 ओवर में वो डीके दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी. डीके के पास मोमेंटम जरूर है चेतन, बट आई विल ब्रिंग द ऋषभ पंत क्वेश्चन हियर एंड इट्स बेसिकली टू पार्ट क्वेश्चन इन अ सेंस. एक तो लेफ्ट हैंडर है इसीलिए वो उस तरीके से देखा भी जाता है, जडेजा का आपने देखा पाकिस्तान अगेंस्ट एशिया कप में क्या किया. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस लेफ्ट हैंडेड, ही बीइंग लेफ्ट हैंडेड इज एन एडवांटेज, क्या ये मैचअप जो कहते हैं अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ बॉलर्स इज इट ओवर रेटेड इन T20s और इज इट एक्चुअली दैट कुड वर्क फॉर इंडिया, और क्या उस सिर्फ उसी वजह से यू आर सीइंग पंत बीइंग बैक दैट वे. सेकेंडली आकाश टच अपॉन IPL एंड यू सी इन द IPL यू ऑल्सो मेंशन किया हार्दिक पांड्या ने IPL में जो किया नंबर 4 पे किया, फिनिशर का ज्यादा काम नहीं किया उसने, पंत भी 4 पे ही खेल रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए. सो देयर इज ऑल्सो अ फैक्ट वेयर यू आर लुकिंग एट द IPL नंबर्स एंड सीइंग यार नंबर्स तो अच्छे हैं बट द पोजिशन आर ऑल्सो डिफरेंट. हाउ डू यू सॉल्व दिस फॉर ऋषभ पंत? I'll tell you, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ मैं. How do you solve it? You drop one or two of the three, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली. उनमें से आप दो को ड्रॉप कर दो, पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने आप सुधर जाएगा. ठीक है, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे आ जाएंगे जहां पे वो MI के लिए खेलते हैं, ऋषभ पंत नंबर 4 पर आ जाएंगे और हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे आ जाएंगे. ठीक है, आपका बैटिंग ऑर्डर वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा और वो आपका T20 बैटिंग ऑर्डर लगेगा. ठीक है, आप दो को मैं ड्रॉप करो, चाहे एक को भी ड्रॉप कर दो, तो एक सब पोजिशन ऊपर चले जाएंगे. ये होने वाला नहीं है, एटलीस्ट पहले दो मैच से पहले नहीं होने वाला है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, मैं यहाँ पे बायलैटरल की बात नहीं कर रहा. लेकिन ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो देखिए, आपने मैचअप्स की बात की. एज अ लेफ्ट हैंडर यू वांट दोज मैचअप्स, यू वांट टू विन दोज मैचअप्स स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स, क्योंकि ही विल बैट एट नंबर 5. वो 4-5 से पहले ज्यादा बैटिंग नहीं करेंगे, हो सकता है नंबर 6 पे भी आए, बट ही इज अ लेफ्ट हैंडर सो 5 आप लेके चलिए.
if you want Surya Kumar Yadav at 4 or maybe at number 4. So 4-5 is his position, which is a good position for him. Lekin, क्या वो execute कर सकते हैं plans? आपने matchups की बात की. एक चीज होती है कि आप नंबर 4 या 5 पे बैटिंग कर रहे हैं. एक चीज है ऋषभ पंत किस तरीके से बैटिंग करते हैं और उस तरीके में क्या वो प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उन ही हैज दैट यू नो ही हैज दैट ऑडेसिटी अबाउट हिज गेम कि नहीं यार मुझे मारना है तो मैं मारूंगा. जिस तरीके से वो छक्के मारते हैं, गिर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल शॉट खेलते हैं, बहुत अजीब लगता है बिकॉज समटाइम्स ही डजंट सीम इन कंट्रोल, वो प्रीमेडिटेटेड शॉट हो जाता है. तो कैन ही एग्जीक्यूट? हमने जडेजा से कंपेयर किया था, सैंपल साइज बहुत कम है, एक ही इनिंग है, लेकिन जडेजा ने प्लान एग्जीक्यूट किया था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किए भी हैं पिछले 2-2.5 साल में, लेकिन पिछले 10 महीने में अगर हम देखें, चाहे जो भी रीजन रहा हो, चाहे इनजस्टिस हुआ है, चाहे उनको रोल नहीं मिला है, वो बैटिंग प्लान कहीं ना कहीं, चाहे आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी देख लीजिए, उन्होंने वो इतने अच्छे तरीके से वो प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं किए हैं. अगेन दैट इज वेयर शायद पल्ला जो है थोड़ा सा डीके की तरफ भारी हो जाता है, बट आई हैव नेवर बीन supportive of this plan of using DK as a finisher. क्यों? क्योंकि अगर आप उनसे keeping नहीं करा रहे हैं, आप उनको अगर सिर्फ batsman की तरह खिला रहे हैं, number 7 पर you cannot have a pure batsman, और वो भी कि भैया last 3 over आओ, क्योंकि Australia के grounds are very big grounds. It will not always carry off. आप हमेशा 10 ball पे 30 run नहीं बना पाएंगे Australia में. वहाँ पे आपको singles लेने पड़ते हैं, आपको 3 run लेने पड़ते हैं. हमेशा आप boundary नहीं clear कर पाएंगे. He's a timer of the ball. He's not a power hitter. Remember about DK. He is not a power hitter. He's a very clean striker. He's a very, you know, good timer of the ball. So Australia mein wo timing zaruri nahi hai ki aapki boundary clear karega. MCG par, Perth ke bade grounds par. Sydney is comparatively smaller than MCG. Lekin MCG par Bharat 2 match khel raha hai. Theek hai? So that is going to be a crucial aspect of finishing in Australia. सिचुएशन ऐसी है कि आपको डीके को अब खिलाना पड़ेगा. हाँ, पंत अगर आप उनको सिर्फ लेफ्ट हैंडर की तरह पिक कर रहे हो तो यार क्या क्या बोला जाए, क्या बोला जाए. मतलब ऋषभ पंत को आप सिर्फ इसलिए पिक कर रहे हो क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर, बस यही रह गया और कुछ नहीं बचा. सो दैट्स रियली अनफेयर. दैट्स ट्रू.